आज भी एक बहुत छोटा एक साइज का बुद्धा फेस बनाएंगे। ये है 19 इंच बाई 12 इंच और ये डिजाइन आप लोगों को मतलब आप लोग देखे होंगे, ये बहुत ये हाफ बुद्धा फेस है और हाफ ट्रीज है, तो ट्रीज लीप से ढका हुआ है। तो इस टाइप का डिजाइन आज छोटा साइज में बनाएंगे। इसका मोल्ड होगा फाइबर ग्लास और ये कास्टिंग होगा, ठीक है, रिपीट प्रोडक्शन होगा। तो ये प्रोसेस जो है आप लोगों को दिखाता हूँ। पहले फ्री हैंड ड्राइंग हो गया, अभी मिट्टी लगाएंगे, उसके बाद जो डिटेलिंग है आप लोगों को दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पे बेस सबसे इम्पोर्टेंट है, छोटा है फेस को बहुत इम्पोर्टेंट मतलब देना है और बहुत अच्छा बनाना है। यहाँ पे क्या करें, पहले फेस का जो हाइट है एक बार मेजर कर लेते हैं। छोटा साइज है लेकिन ज्यादा रिलीफ यहाँ पे नहीं कर सकते, तो देखता हूँ कितना तक हो जाए। यहाँ पे तो ऊपर जो गोलाई का एरिया है वो लगाएंगे जो बालों का, तो उसके हल्का डेप्थ नीचे होगा फेस। ये मिट्टी को ना थोड़ा एकदम नरम कर लीजिए, है ना, ज्यादा हार्ड होगा तो आपका काम में भी टाइम लगेगा। अभी फेस का जो जगह है यहाँ पे एक बार इसको मिट्टी लगा के देखता हूँ। आंखों में हल्का सा ये मिट्टी लगा देता हूँ, उसके बाद धीरे 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 डिटेलिंग में जाएंगे, ठीक है ना। अभी डेप्थ जो है इस डेप्थ का हिसाब से आपको रिलीफ कितना करना चाहिए वो देखना है। अभी इसमें कान बनाना है, ये कान बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले हर जगह पे मिट्टी आपको ऐड करके रखना चाहिए, उसके बाद धीरे 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 जहां पे डिटेलिंग इस हिसाब से सब जगह पे डिटेलिंग शुरू करना है। तो इसमें क्या होगा, आपका काम एक बैलेंस में होगा। अभी इधर देखिए ब्रांचेस बनाना है, है ना, तो ब्रांचेस को पहले मिट्टी कैसे लगाते देख लीजिए एक बार। ये देखिए अभी लीव्स जो है आप एक पीस बना के इसको पीओपी मोल्ड लेकर कास्टिंग करके भी लगा सकते, नहीं तो आप फ्री हैंड में आप बना सकते। जैसा देखिए यहाँ पे मैं एक पीस बना के दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे तो ऐसा करके लीव्स को अच्छा से यहाँ पे अटैच कीजिए और इसको डिटेलिंग कीजिए। अभी यहाँ पे मिट्टी अभी भी ऐड करना है, एक बार देख लीजिए बैलेंस का हिसाब से। ऐसा करके फॉर्म देखकर ये लिप्स को छोटा बड़ा करके लगाइए। ये अभी ये स्पॉन्ज ले लीजिए, ठीक है ना, हल्का हल्का पानी देकर इसमें लगाइए और हाथों से इसको स्मूथ सरफेस को अच्छा से इसको स्मूथ कीजिए, ठीक है। ये लिप्स को बहुत सेंसिटिव पार्ट है, इसको बहुत ध्यान से बनाना है। स्माइल है जो लुक्स है ये। यहाँ पे हल्का सा डेप्थ क्रिएट कीजिए, ऐसे ज्यादा नहीं, कोई कोई यहाँ पे लाइन क्रिएट करता है, ऐसा नहीं चाहिए। लिप्स का जो डायमेंशन है तो इसको ठीक करना है, तो आप ऐसा चियारी इसको लेकर ऐसे आउटलाइन कटिंग कर लीजिए। इसमें क्या होगा, बॉर्डर जो आउटलाइन है ये भी क्लियर हो जाएगा और आपका ये लाइन भी क्रिएट हो जाएगा। हल्का पॉलिश करके यहाँ पे जो सेंटर लाइन है ये बना लीजिए, ठीक है, स्कूप करके हो जाएगा आपका। लिप को थोड़ा सा ठीक यहाँ पे ठीक कर लेता हूँ, तब तक आपको दिखा देता हूँ। आई
आइस का भी लाइन यहाँ पे एक बना के देखता हूँ, ऐसे नीचे का तरफ आएगा, अभी ऊपर का तरफ जाके ऐसे, इसमें हल्का लाइन डेप्थ होगा आई वॉल का, तो बाद में कर लेंगे, अभी इसको लाइन को जो है इसको ठीक करना है। तो ये मिट्टी जो है आप खेल सकते हैं, मतलब अप्स एंड डाउन्स बना के, है ना, इधर देखिए इधर हल्का डेप्थ क्रिएट होगा तो और भी अच्छा रहेगा। हार्ड लाइन नहीं होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए, कटिंग करके मिट्टी को हटा के उसके बाद ये लाइन आप हाथ प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे जो कानों का लाइन है इसे यहाँ पे घुमा देता हूँ, लेकिन डिजाइन का हिसाब से जो अच्छा लगे वो हम लोग बना के छोड़ देते हैं। अभी देखिए इसमें पॉलिश हो गया, ठीक है ना, सरफेस जो है स्मूथ हो गया। अभी क्या करना है इसमें डिटेलिंग करना है, जैसा लिप्स का डिटेलिंग होगा, है ना, आईज का डिटेलिंग होगा, तो ये बाकी जो आउटलाइन है, ये जो क्या बोलते हैं हेयर स्टाइल जो है गुलाई गुलाई, तो ये टेक्सचर यहाँ पे लगाना है, बाकी पूरा के पूरा कम्प्लीट। स्माइल देखिए लगभग ठीक है, और भी देख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, अभी थोड़ा मिट्टी जो अपर सरफेस है ना थोड़ा सा उनका टाइट होने का बाद धीरे धीरे काम करेंगे तो अच्छा है, और अभी आज कंप्लीट करके सोच रहा हूँ, लेकिन कल भी इसको सुबह और एक बार देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग बोल लेंगे। ये देखिए लिप्स का यहाँ पे ऐसे करके आप टेक्सचर दे सकते हैं, ऐसा करके हल्का हल्का, ज्यादा हार्ड नहीं, देखिए यहाँ पे लाइन जो है बहुत हल्का है, बहुत स्मूथ है। ये हल्का स्मूथ ब्रश लेकर हल्का हल्का पानी, ज्यादा पानी नहीं, ऐसा करके आप इसमें सरफेस को और एक बार स्मूथ कर दीजिए तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। आईबॉल का डेप्थ यहाँ पे बनाना है, ज्यादा डेप्थ नहीं बनाएंगे क्योंकि ये आपका प्रोडक्शन होगा तो उस टाइम लॉक ना हो जाए, इसीलिए आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए हल्का हल्का करके मैंने ऐसे टेक्सचर बना दिया एक ट्री का, है ना, तो ये डायमेंशन भी मिल जाएगा क्योंकि एक ही टाइप का टेक्सचर पूरा स्मूथ सरफेस अच्छा नहीं लगेगा। ये टूल्स है, ये अवेलेबल मार्केट में भी मिल जाएगा, ऐसा टेक्सचर आप बना भी सकते, हल्का करके ऐसे स्पॉन्ज दे दीजिए ताकि जो हार्ड लाइन है ये थोड़ा सा खत्म हो जाएगा, बना के एकदम राउंड हो जाएगा, उसके बाद गोलाई गोलाई बना के रखा इसको उठाते और यहाँ पे चिपकाता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे चिपकाता हूँ। ये देखिए ये एक पीस बना के आप मोल्ड करके भी रख सकते, लेकिन कितना मोल्ड करूँ, एक तो है हर क्लाइंट का अलग अलग साइज का रिक्वायरमेंट है, तो मोल्ड करते करते आपका घर में आपका स्टूडियो में सिर्फ मोल्ड ही रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। जितना बार आप काम करेंगे उतना अच्छा होते जाएगा, है ना, ये प्रैक्टिस जितना आप करेंगे ना उतना अच्छा है, तो मोल्ड को अवॉइड कीजिए, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। ये गोलाई लगाने का बाद आप ऐसा करके ऐसा करके आप स्क्रैच करके अभी ऐसे ब्रश से ऐसे घुमा दीजिए तो आपका सरफेस स्मूथ हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए अभी जो है मैं बता रहा था ये टेक्सचर है, ये भी कंप्लीट हो गया, इंडिविजुअल एक एक करके बना लिया, अभी लिप्स का भी हो गया, आईज भी देखिए लगभग ठीक ही लग रहा है, अभी क्लाइंट को भेजना है, अभी देखता हूँ, मेरा तो अच्छा लग रहा है, बाकी छोटा मोटा जो करेक्शन है जो स्मूथनेस है वो मोल्ड का टाइम देख लेंगे, अभी कच्चा है। तो फ्रेंड कैसा लगा ये एक बार देखिए, आप लोग खुद ट्राई कीजिए, कुछ नहीं है, प्लाई सरफेस के ऊपर मिट्टी का है लेकिन इसको रख नहीं सकते, आपको मोल्ड लेना है, कास्टिंग करना है, दूसरा मटेरियल में आपको ट्रांसफर करना है, हर मिट्टी क्रैक होता है, आप लोग का हर बार एक ही क्वेश्चन आता है क्रैक होता है मेरा मिट्टी, ये भी मिट्टी जो है आप अभी खोल के रखिए, दो घंटा बाद आप देखिए सब क्रैक हो जाएगा। और मेरा चैनल पर रहिए, सब्सक्राइब कीजिए,
जो फ्रेंड इस टाइप का काम पसंद करते हैं सबको शेयर कीजिए और इस फिल्म में आइए, मेरा साथ रहिए, मेरा चैनल पे अपलोडेड जितना भी वीडियोस है सबको देखिए। अभी देखिए ये बुद्धा म्यूरल जो है ये कंप्लीट हो गया। अभी सिर्फ बॉर्डर जो चारों साइड है ये चारों साइड को कटिंग करना है, ठीक है, और इसका मोल्ड स्टार्ट होगा। कटो अभी जो है यहाँ पे देखिए बॉर्डर कटिंग हो गया पूरा के पूरा नीट एंड क्लीन। अभी बॉर्डर में वैक्स बॉल और ये केरोसिन स्प्रे हो गया, ठीक है। अभी फर्स्ट लेयर लगाना है, सेकेंड लेयर और फाइबर मैट, ये मोल्ड आपका हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों को दिखा देता हूँ। अभी फर्स्ट लेयर ये रेजिन, इसमें फ्रेंच ऑक पाउडर, कोबाल्ट और हार्डनर दे दिया, ठीक है। हल्का थिकनेस बढ़ा लिया, नहीं तो आपका चारों साइड में ये आपका मटेरियल वेस्टेज हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो संभाल के हर डिटेलिंग हर डिजाइन पे आपको जाना चाहिए। अभी यहाँ पे मैटिंग चढ़ा दिया और ये फाइनल लेयर हो रहा है फाइनल। ये जो रेजिन है यहाँ पे हार्डनर और एक्सेलेटर, यहाँ पे कोई पाउडर नहीं है, ठीक है। पूरा के पूरा इसको कवर करना है मैटिंग।